Your investor this side Himanshi live back again with a new video. आज का मेरा video है कि अगर हमारे account में हमने कुछ buy किया है app के through या generally हमने buy करवाया है अपनी branch से तो हम अपनी positions कैसे check करते हैं, हमें अपनी report कहाँ से मिलेगी कि हमने क्या buy किया है, कितने price पे किया है. तो उसके लिए हमें करना क्या है, हम यहाँ पे T का option है, यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा पोर्टफोलियो एंड रिपोर्ट्स. जब हम पोर्टफोलियो एंड रिपोर्ट्स में जाएंगे तो ये हम हमारा टोटल पोर्टफोलियो शो होगा हमारे को. जैसे कि मेरे पास अभी प्रेजेंटली स्टॉक में कुछ नहीं रखा है, जो भी आपका इक्विटी डेरिवेटिव है सब कुछ शो हो जाएगा. मेरे पास स्टॉक में कुछ नहीं रखा है, मेरे पास एक NCD रखा है. मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 1 लाख, करंट वैल्यू है 99,900, अनरियलाइज्ड डे ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस है 100 रुपीज़ का. तो आपको जो भी आपकी पोजीशन है, जिस प्राइस पे आपने बाय किया दैट इज़ इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है. और जो भी प्राइस आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे टोटल रिपोर्ट शो हो रही है. क्वान्टिटी मेरे पास 100 है, एवरेज प्राइस मुझे 1,000 रुपीज़ दिखा रहा है और आज का जो लास्ट ट्रेड प्राइस है वो 999 है. अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को 100 रुपीज़ का हो रहा है. तो इस तरह से आप अपनी होल्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपने किस प्राइस पे अपनी होल्डिंग बाय की थी और अभी प्रेजेंटली क्या प्राइस चल रहा है और आपको कितना ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है यहाँ पे. अगर आप इस रिपोर्ट को ईमेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो डाउनलोड रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ईमेल रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड रिपोर्ट भी कर सकते हैं. अंडरस्टैंड रिपोर्ट में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज स्क्रिप्ट नेम, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट वैल्यू, व्हाट इज गेन लॉस एंड टुडे, व्हाट इज गेन लॉस अनरियलाइज्ड, व्हाट इज गेन लॉस रियलाइज्ड एंड व्हाट इज गेन लॉस टोटल. तो इस तरह से आप इन्वेस्टर अपनी टोटल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं. इससे आपको कहीं भी जाने की, किसी को कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने किस प्राइस पे बाय किया था. तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद गेस लगा पाएंगे कि आपको कितने प्राइस पे उसको सेलिंग लगाना चाहिए. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. अगले टॉपिक पे वीडियो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. थैंक यू.